वेलकम बैक टू लकी व्लॉग्स। और दोस्तों आज के इस व्लॉग में मैं आपको लेके आया हूँ बरसाना में, जहाँ पे आपको दर्शन करवाऊंगा राधा रानी जी के मंदिर के। और यहाँ पे मैं आज आपको इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि यहाँ पे एक नई सेवा शुरू हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं रोप वे यहाँ पे शुरू कर दिया गया है, क्योंकि मंदिर तक पहुँचने के लिए दोस्तों पहले आपको 250 से 300 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता था, लेकिन अब वही आप 5 मिनट के अंदर रास्ता पूरा कर सकते हैं रोप वे में बैठ के। तो यहाँ की पूरी डिटेल बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको दिखाते हैं ये रोप वे और जाएंगे ऊपर राधा रानी जी के मंदिर के दर्शन करवाएंगे। दोस्तों मैं इस वक्त खड़ा हूँ बरसाना के मेन चौक पे, जहाँ पे आपको ऑटो उतारेगा। कोसी से जब आप आएंगे तो ऑटो आपको यहाँ पे उतार देगा। आपको उतरते इस चौक पे सामने आपको गेट दिख जाएगा जिसपे लिखा हुआ है मारो प्यारो बरसाना। और दोस्तों वहां से अंदर मेन एंट्री गेट है। अगर आप पैदल मंदिर में जाना चाहते हैं तो सीढ़ियों के रास्ते उधर से आपको जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप रोप वे से जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पहले दोस्तों आपको ये रास्ता दिखेगा। यहाँ पे राधा अष्टमी के चक्कर में दोस्तों यहाँ पे ये कुछ डेकोरेशन की गई है। यहाँ पे ये सजावट आप देख सकते हैं, ये इसको डेकोरेट किया गया है क्योंकि राधा अष्टमी आने वाली है इसलिए। तो दोस्तों ये रास्ता है जो रोप वे की तरफ जाता है। यहाँ से आप बैटरी रिक्शा लेके भी जा सकते हैं या पैदल भी जा सकते हैं, यहाँ से करीब 10 मिनट का रास्ता है। तो दोस्तों मेन बरसाना चौक से आपको ये बैटरी रिक्शा मिल जाएगा, 10-10 रुपए सवारी लेगा और सीधा आपको रोप वे वाली जगह पे छोड़ देगा। तो अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो 10 मिनट का रास्ता है, पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन ये बैटरी रिक्शा ले लें तो ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। यहाँ मैं पहुंच चुका हूँ दोस्तों, वो सामने आप रास्ता देख सकते हैं, जो बैटरी रिक्शा है वो आपको यहाँ पे लेके आएगा और ये यहाँ पे आपको ये बैटरी रिक्शा उतार देगा। और यहाँ सामने आपको दोस्तों ये बोर्ड दिख जाएगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है राधा रानी रोपवे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों योगी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और 25 अगस्त को यहाँ पे ये सेवा शुरू करी गई है। तो यहाँ से दोस्तों अंदर चलेंगे और ये रास्ता आपको सीधा ले जाएगा रोपवे की तरफ। और बाहर दोस्तों आपको ये पार्किंग एरिया दिख जाएगा पूरा का पूरा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारा पार्किंग एरिया है बाहर। यहाँ पे अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं, बाइक पार्क कर सकते हैं। तो उसकी अगर हम चार्जेस की बात करें तो गाड़ी के 50 रुपये और बाइक के लिए आपको 30 रुपये देने होंगे। और यहाँ पे एक शेड है, शेड के नीचे ही आपको यहाँ पे दोस्तों टिकट काउंटर दिख जाएगा, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। और टिकट की हम प्राइस की बात करें तो 100 रुपये चार्जेस है दोस्तों आने और जाने का, लेकिन अगर आप एक साइड की लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 60 रुपये पे करने होंगे। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप वो पूरा पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर इसको रोक के आराम से पढ़ सकते हैं। ये दोस्तों टिकट मैंने ले ली है, आप देख सकते हैं 100 रुपये की टिकट है आने जाने की, और अगर एक साइड की लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 60 रुपये खर्च करने होंगे। यहाँ से दोस्तों नीचे से ही आपको सामने मंदिर दिख जाएगा, वो सामने आप देख सकते हैं राधा रानी जी का मंदिर है। और ये रोप वे का रास्ता है सीधा, यहाँ से रोप वे ऊपर लेके जाएगा आपको। और ये सामने जो शेड है यहीं से आपको रोप वे लेना होगा। यहाँ पे नीचे कुछ लोग खड़े हैं, लाइन लगा के आपको खड़े होना पड़ेगा, थोड़ा सा वेटिंग चल रही है यहाँ पे। ये आप दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं ये रोप वे पूरा ऊपर जा रहा है, ये देखिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत और प्यारा दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ पे 3-3 की ये ट्रॉली बनाई गई है, 3 ट्रॉली एक बार इकट्ठी जाती है यहाँ से, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से ये 3 ट्रॉली नीचे की तरफ आ रही हैं, ये अलग अलग कलर में बनाई गई हैं, ये येलो कलर है, वो ग्रीन है और रेड है, 3 कलर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से ये ट्रॉली आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों ये पूरा सिस्टम आपको दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से और सिस्टमेटिकली इसको बनाया गया है। बहुत ही मोटी मोटी तार आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा आप सिस्टम देख सकते हैं दोस्तों, वो पूरा आगे तक आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, तो यहाँ पे मुझे और लोग भी मिले हैं, हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और इनका अपना चैनल भी है, ये यहीं बरसाना से ही है। तो इनसे थोड़ा सा जानते हैं कि किस नाम से है इनका चैनल और ये ऊपर रोपवे में होके भी आए हैं, तो क्या एक्सपीरियंस रहा वो भी ये बताएंगे थोड़ा सा। राधे श्याम, दंडवत प्रणाम। हम बरसाना से हैं, यहाँ से श्री धाम बरसाना में रहते हैं, श्री जी की बहुत बहुत कृपा है और श्री जी दर्शन के नाम से हमारा चैनल है। और रोपवे का मुझे, मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ रोपवे से, और रोपवे राधा रानी ने रास्ते खोल दिए हैं भक्तों के लिए, जो लोग नहीं दर्शन कर पाते थे क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत ज्यादा है राधा रानी महल के लिए, तो कुछ लोग वृद्ध हैं दर्शन नहीं कर पाते, कुछ लोग की कोई प्रॉब्लम होती है, तो राधा रानी ने रास्ते खोल दिए हैं, अब बहुत आसान हो गया दर्शन करना, रोपवे से आसानी से आ जा सकते हैं। और टिकट भी कुछ ज्यादा नहीं है, अभी के लिए जो स्टार्टिंग टिकट है वो 100 है, अभी के लिए स्टार्टिंग टिकट 100 है, बाकी देखो फिर किशोरी जी कैसे कृपा करते हैं। राधे श्याम। तो ये हमारे साथ कुछ लोग हैं, तो ये बताएंगे कि आज ऊपर ये होके आए हैं रोपवे में,
तो ये बताएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा इनको ऊपर जाके? बताइए, रोप वे में जाने का एक अद्भुत एक्सपीरियंस है, जो हम लोग को जाने से, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो लोग नहीं जा पाते हैं, उनके लिए एक बहुत ही सरकार ने अच्छा कदम उठाया है, वो लोग आराम से जा सकते हैं। हम लोग को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई जाने में। ऊपर मंदिर में दर्शन भी बहुत आराम से हो गए। बहुत ही इन्होंने एक अच्छी प्रक्रिया है, बहुत ही सुचारू रूप से कार्यक्रम चल रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। टिकट्स वगैरह बहुत इजीली अवेलेबल हैं सबके लिए, और इतना अच्छा मौसम है, हम उसका एंजॉय करते हुए जा रहे हैं पूरे रास्ते, जो हम सीढ़ियों से चढ़ते हुए नहीं कर सकते उस मौसम का एंजॉय। तो आपको कैसा लगा, कोई डर तो नहीं लगा? नहीं, बहुत एंजॉय करते हुए गए, एकदम बहुत कम्फर्टेबल है, बहुत अच्छा है, सेफ्टी से है, बहुत अच्छा है। सेफ्टी मेजर्स पूरे उन्होंने फॉलो किए हुए हैं, बिल्कुल विंडो वगैरह सब, गेट वगैरह सब क्लोज करके लेके जाते हैं। तो दोस्तों, बड़े बुजुर्गों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है ये, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आती थी उनको सीढ़ियां चढ़ने में, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज है, वो यहाँ पे आके आराम से रोपवे में बैठ के मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, तो उनके लिए तो एक वरदान की तरह है ये। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं, तीन ट्रॉली एक साथ जाती हैं, और एक ट्रॉली के अंदर दोस्तों 6 लोग एक टाइम में बैठ सकते हैं। और यहाँ पे आपको मैं अंदर से थोड़ा सा दिखा देता हूँ, इस तरीके से आप देख सकते हैं, 6 लोग एक टाइम में बैठ सकते हैं, और यहाँ से ये फिर ये दरवाजा बंद हो जाता है। ये देखिए सर, आप लोग इधर आ जाइए। तो ये दोस्तों यहाँ पे लाइन लगी हुई है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको इस तरीके से यहाँ से बैठ के आप रोप में इस तरीके से ऊपर जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, 3 लोग सामने की तरफ बैठ सकते हैं और 3 लोग इधर बैठ सकते हैं। मैं भी यहाँ पे बैठ गया हूँ, ये हर्ष बैठ गया है यहाँ पे, तो 6 लोग एक टाइम में यहाँ पे बैठ सकते हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा कैबिन बना हुआ है बहुत ही बढ़िया, और मौसम आज बहुत अच्छा हो गया। और यहाँ भैया ने देखिए एक और नई चीज बता दी, यहाँ पे ये खिड़की खोल सकते हैं, ये तो ऐसे कर दिया जैसे इन्होंने जन्नत में पहुंचा दिया हो। खिड़की खोलते ही आपको ऐसे लगेगा जैसे कि आप उत्तराखंड की पहाड़ियों में घूम रहे हैं, बाहर इतनी ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी, मौसम बहुत बढ़िया है। और वो सामने आप देख सकते हैं दोस्तों, राधा रानी जी का मंदिर, बहुत ही खूबसूरत ये नजारा दोस्तों, आप देख सकते हैं अपनी आंखों से ये नजारा देखते हुए मैं बहुत ही खुश हूँ इस टाइम। पैसा वसूल है बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों, आप बैठ के पूरा आनंद ले सकते हैं। ये देखिए पूरा सामने और राधा रानी जी का मंदिर है, और ये पूरा रास्ता मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, और नीचे देख सकते हैं दोस्तों आप, नीचे आपको कुछ इस तरीके से ये देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ट्रॉली यहाँ पे पहुंच चुकी है, जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो लोग यहाँ पे इस तरीके से उतरेंगे, और उतरने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको एग्जिट गेट दिख जाएगा, और वो सामने आप मंदिर देख सकते हैं, यहाँ से आपको फिर सीधा मंदिर में ही प्रवेश करना है। बाहर से दोस्तों आपको ये देख सकते हैं आप, सारा सामान आपको यहाँ से मिल जाएगा, फूल मालाएं हैं, ये पूरा श्रृंगार का सामान है इस तरीके से, और ये पूरी थाली तैयार करके देते हैं। ये देखिए पूरा श्रृंगार का सामान, कितने की है थाली पूरी? 150-200 रुपए में दोस्तों आपको पूरी थाली ये तैयार करके दे देंगे इस तरीके से। बहुत सारी आपको बाहर ये दुकानें लगी हुई यहाँ पे दिख जाएंगी, जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए। दोस्तों ये आप मंदिर देख सकते हैं सामने, राधा रानी जी के मंदिर में हम पहुंच चुके हैं। जय श्री राधे राधे। और ये दोस्तों रोप वे से उतरने के बाद ये रास्ता जा रहा है सीधा मंदिर की तरफ, यहाँ से जाएंगे और फिर घूम के आपको जाना पड़ेगा फ्रंट गेट की तरफ, फिर सीधा मंदिर में प्रवेश करेंगे। ये रास्ता दोस्तों देख सकते हैं, ये रास्ता जो पीछे से होके आएगा ये रोप वे की तरफ से, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये मेन आपको मेन एंट्री की तरफ ले आएगा। ये आप देख सकते हैं जो मेन सीढ़ियों वाली एंट्री है वो इस तरफ है, यहाँ से लोग सीढ़ियों से आते हैं अगर आप सीढ़ियों वाले रास्ते से आना चाहते हैं तो। उसके बाद यहाँ से आपको ऊपर की तरफ जाना है मंदिर में। ये दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा बरसाना गाँव यहाँ से दिख जाएगा, इतनी हाइट पे है ये मंदिर, बहुत ही खूबसूरत दृश्य आप यहाँ से देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये पूरा का पूरा बरसाना गाँव है, और ये है मंदिर का प्रांगण जहाँ पे आपको बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही होगी। ये देखिए दोस्तों, और वो सामने है मेन एंट्री, सामने आप देख सकते हैं लिखा हुआ श्री लाडली जी महाराज, ये मेन एंट्री गेट है, और यहाँ से चलेंगे अंदर और आपको करवाएंगे दर्शन राधा रानी जी के। तो भक्तों मंदिर के प्रांगण में मैं पहुंच चुका हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं भक्तों की कितनी यहाँ पे भीड़ आई हुई है दर्शन करने के लिए। और दोस्तों अगर आप भी दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो मंदिर की अगर हम टाइमिंग की बात करें तो सुबह 5 बजे मंदिर खुल जाता है, दोपहर को 2 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद ये मंदिर बंद हो जाता है दोपहर के टाइम, फिर शाम को 5 बजे खुलता है और रात के 9 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। इस दौरान आप यहाँ पे आके मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। माथे पे इन्होंने लिखा हुआ है राधे राधे, और इनके हाथ में प्रसाद की थाली है जिसमें फूल
और ये चुन्नी वगैरह आप देख सकते हैं। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से? गोरखपुर से। तो राधे राधे। यहाँ दोस्तों आपको एक बहुत ही बड़ा हॉल दिखेगा, यहाँ पे एक ये परिसर है, इसके अंदर बैठ के आप वेट कर सकते हैं। अगर मंदिर में भीड़ होती है तो यहाँ पे ये वेटिंग एरिया बनाया गया है जहाँ पे भजन कीर्तन चलते रहते हैं। और अगर आप भी यहाँ पे कुछ टाइम गुजारना चाहते हैं तो यहाँ पे इस हॉल के अंदर बैठ के यहाँ पे टाइम गुजार सकते हैं। यहाँ से दोस्तों चलते हैं अंदर और दर्शन करवाते हैं आपको राधा रानी जी के। ये देखिए यहाँ से भी सीढ़ियां चढ़ के आपको ऊपर जाना पड़ेगा। अब हम जा रहे हैं दोस्तों और आपको दर्शन करवाएंगे। कुछ ही देर में हम राधा रानी जी के दरबार में पहुंच जाएंगे और आपको दर्शन करवाएंगे वहां पे जाके। ये है दोस्तों सामने मेन मंदिर का प्रांगण। ये पहुंच चुके हैं दोस्तों हम राधा रानी जी के मंदिर बरसाना। ये दोस्तों भीड़ आप देख सकते हैं, कितनी भीड़ है यहाँ पे भक्तों की। मंदिर के प्रांगण में दोस्तों बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे भक्त माता के दर्शन करने के लिए। ये देखिए दोस्तों पूरा प्रांगण मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब वो सामने आप दर्शन कर सकते हैं लाडली जी के, राधा रानी जी के दर्शन कीजिए दोस्तों। राधे राधे बोलिए। ये सामने है दोस्तों, वो सामने आप देख सकते हैं। और मंदिर का प्रांगण दोस्तों ये देख सकते हैं आप कितना सजाया हुआ है। यहाँ पे राधा अष्टमी है एक दो दिन बाद और यहाँ पे मंदिर को पूरा सजा दिया गया है। देखिए दोस्तों सामने राधा रानी जी के दर्शन कीजिए, खुले दर्शन हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। और ये भक्तों की भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत लोग आए हुए हैं दोस्तों यहाँ पे दर्शन करने के लिए। ये देखिए, ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से मंदिर का पूरा प्रांगण दिख रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत इसको सजाया गया है और बहुत सारे लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ से दोस्तों अब हम बाहर की तरफ चलेंगे थोड़ा सा, तो बाहर आपको ये एरिया दिखेगा। यहाँ से पूरा व्यू बाहर का आप देख सकते हैं और बहुत लोग हैं यहाँ पे। बाहर जाके अब आपको दिखाते हैं व्यू। मंदिर के बाहर का प्रांगण दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है। सामने आप देख सकते हैं भानु दुलारी श्री राधा रानी लिखा हुआ है यहाँ पे। और बाहर से कुछ इस तरीके का व्यू दिखेगा। ये देखिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत व्यू है बाहर से। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है। और मौसम आज बहुत ही खूबसूरत हुआ पड़ा है, बहुत ही सुहाना मौसम है। और यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए आए हुए हैं राधा रानी जी के। और इस प्रांगण में मैं खड़ा हूँ, पीछे आप पूरा मंदिर मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए वो बहुत ही खूबसूरत मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये दोस्तों देख सकते हैं बरसाना का पूरा दृश्य आपको यहाँ से दिख रहा होगा, पूरा बरसाना गाँव यहाँ से आप देख सकते हैं। मंदिर के प्रांगण से मैं आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ से मेन एंट्री है। अगर जो पैदल रास्ता है वो यहाँ से आते हैं और अगर रोपवे वाला है तो यहाँ से आपको सीढ़ियाँ उतर के फिर यही इसी रास्ते से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और उसके बाद मेन एंट्री है यहाँ से मंदिर जाने के लिए। और फिर ये मंदिर का प्रांगण आपको दिखा देता हूँ। ये दृश्य आपका मन मोह लेगा दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है मंदिर का। ये आप देख सकते हैं बाहर से, एक बार आप दर्शन करने के लिए यहाँ पे अवश्य आए। दोस्तों दर्शन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है बाहर जाने का रास्ता, निकास द्वार। यहाँ से आपको चलना होगा बाहर। अब हम बाहर चलते हैं, ये निकास द्वार है दोस्तों। यहाँ से जब आप बाहर आएंगे तो बाहर आने के बाद ये पूरा ऐसे परिक्रमा कर पाएंगे आप। परिक्रमा लेने के बाद फिर सीधा बाहर उसी रास्ते पे पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप यहाँ पे फोटो क्लिक करवाना चाहते हैं तो इसके आपको 20 रुपए पे करने होंगे और प्रिंट करके आपको इन हैंड दे देंगे साथ के साथ। यहाँ पे भैया देखो कैमरा लेके यहाँ पे खड़े हैं। 20 रुपए में आप यहाँ पे अपने जो भी मनपसंद का पोज है वो यहाँ पे क्लिक करवा सकते हैं और साथ के साथ आपको ये प्रिंट करके दे देंगे। तो दोस्तों मंदिर से जब आप एग्जिट करेंगे तो यहाँ से बाहर आने के बाद ये वही रास्ता आपको आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से हमने एंटर किया था, फिर आपको यहीं से एग्जिट करना है तो फिर वो सामने आपको रोपवे दिख जाएगा जहाँ से आपको वापिस जाना है नीचे बैठ के। ये दोस्तों वापिस जाने वाले लोग हैं यहाँ पे, आपको थोड़ी सी लाइन मिल सकती है। ये देखिए यहाँ पे लोग जो रोपवे में बैठ के आए थे वो वापिस जाने की तैयारी में है। यहाँ पे थोड़ी सी आपको वेट करना पड़ सकता है, उसके बाद यहाँ से बैठ के फिर आपको वापिस जाना होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि ये जो आपने टिकट ली है ये आपको संभाल के रखनी होगी, तभी आपकी वापिस एंट्री कर पाएंगे बैठ के, नहीं तो आपको वापिस जाने में दिक्कत हो जाएगी, तो इसको संभाल के रखें। यहाँ से दोस्तों अब हम बैठ गए हैं ट्रॉली के अंदर
और अब हम यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे हैं वापस। ये देख सकते हैं बाहर का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत प्यारा दृश्य। और ये ट्रॉली जा रही है बाहर नीचे की तरफ, ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप दोस्तों, दूसरी ट्रॉली आपको यहाँ से दिख रही होगी, तीन ट्रॉलियां आ रही हैं। देखिए यहाँ से आपको दूसरी ट्रॉली का नजारा दिखा देता हूँ, बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत नजारा आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। ये दूसरी ट्रॉली, ये देख सकते हैं लोग हेलो कर रहे हैं, बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे फुल एंजॉय करते हुए, बदतमीज बच्चे। ये देख सकते हैं दोस्तों कितना खूबसूरत नजारा, ये बीच में थोड़ा सा ब्रेक लगाया इन्होंने, दो मिनट के लिए रुके हैं, उसके बाद फिर यहाँ से ट्रॉली चलेगी। और ये नजारा आप देख सकते हैं दोस्तों, ट्रॉली दोस्तों नीचे की तरफ जा रही है और वो सामने आपको लोग दिख रहे होंगे वेट करते हुए। यहाँ से अब हम नीचे पहुँचने वाले हैं, बस ये स्टैंड आने वाला है, ये देख सकते हैं आप सामने, ये हम पहुँच चुके हैं नीचे। और वो लोग देखिए दोस्तों कितनी लंबी लाइन लगी है। यहाँ दोस्तों हम नीचे पहुंच चुके हैं उड़न खटोले से, अब हम यहाँ नीचे पहुंच चुके हैं और बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पे सफर करके इसके अंदर। और अब हम यहाँ पे पहुंचे हैं, तो उस टाइम जब हम यहाँ से गए थे तो इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी, 10-1 मिनट में हमारा नंबर आ गया था। लेकिन अब आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे बहुत ही लंबी लाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, उस टाइम बारिश भी आ रही थी, इस टाइम इसलिए शायद थोड़ी सी भीड़ कम थी, लेकिन इस टाइम बारिश नहीं आ रही और काफी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे काफी लंबी लाइन आपको देखने को मिलेगी, अगर यहाँ पे आप टाइम से आ जाएंगे तो आपका नंबर जल्दी आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको ये पूरी वीडियो दिखा दी है, पूरी डिटेल इसमें बताने की कोशिश की है, राधा रानी जी का मंदिर दिखाया, वहाँ के दर्शन करवाए और रोपवे की पूरी डिटेल बताई। और दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि अब यहाँ पर ये रोपवे की सुविधा शुरू हो गई है। और फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों ऐसी और भी अलग अलग जगह की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे चैनल पर नए हैं अभी तो उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाके उसको नीचे सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि जितनी भी ऐसी अलग अलग जगह की जो वीडियो आने वाली है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, श्री राधे राधे।